जालौन पुलिस ने दो अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। ये पूरे जनपद में पिछले कई वर्षों से अवैध तरीके से गांजे की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इन्हें जालौन की एट पुलिस ने हरिहरधाम पिंडारी से गिरफ्तार किया। द्वारा ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा इस तरह से गांजे का व्यापार किया जा रहा है। इस पर एक टीम लगाई गई थी, ये थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कल रात में इस टीम को गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। उसमें एक राकेश चौरसिया है और दूसरा जितेंद्र कुमार है। राकेश चौरसिया के पास से 19 केजी गांजा और जितेंद्र कुमार के पास से 8 केजी गांजा बरामद हुआ है। राकेश चौरसिया का इसके अलावा भी एनडीपीएस एक्ट का एक पहले आपराधिक इतिहास रहा है और इनके ऊपर विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा गया। तो मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर पुलिस का ये शिकंजा मामला आपको बताने के जालौन का है। हरिधार पिंडारी से मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी की गई। बता दें कि 28 किलो गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए गए। तो मादक पदार्थ तस्करों पर जालौन पुलिस का शिकंजा। हरिहरधाम से पिंडारी, हरिहरधाम के पिंडारी से हुई है दो मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। तो सीधे तौर पर मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस का ये शिकंजा। तो कार्रवाई की ये तस्वीर, गिरफ्तारी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जालौन का ये मामला, 28 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यही वो दो तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 28 किलो गांजे के साथ ये गिरफ्तारी की गई है। हरिहरधाम पिंडारी से तस्करों की ये गिरफ्तारी हुई है, 28 किलो गांजे के साथ। तो जालौन पुलिस का ये शिकंजा। मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की तस्वीरें। बता दें कि दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, 28 किलो गांजे के साथ। ये गिरफ्तारी जालौन के हरिधाम पिंडारी से की गई है। दो तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 28 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो जालौन पुलिस सक्रिय मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के, और कार्रवाई की ये तस्वीर, सफलता की ये तस्वीर। बता दें कि हरिहरधाम पिंडारी से दो मादक पदार्थ तस्करों को 28 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो जालौन में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस की सख्ती सामने आई। शिकंजा तस्करों पर कसा गया। हरिहरधाम पिंडारी से दो मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के साथ, इन दो तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ 28 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। मादक पदार्थों को लेकर के, इनकी तस्करी को लेकर के लगातार शिकायतों की खबर आ रही थी और उस पर यह कार्रवाई जालौन पुलिस की। बता दें कि हरिहरधाम पिंडारी से दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 28 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो जालौन पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के। बता दें कि 28 किलो गांजे को बरामद करने के साथ दो तस्करों की गिरफ्तारी करने में जालौन पुलिस को कामयाबी हाथ लगी।
हरिहर धाम पिंडारी से जालौन पुलिस ने ये गिरफ्तारी की। दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 28 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो मादक पदार्थ तस्करों पर जालौन पुलिस का शिकंजा, 28 किलो गांजे के साथ दो तस्करों की गई गिरफ्तारी। बता दें कि जालौन में हरिहर धाम ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा इस तरह से, तो जालौन पुलिस की सख्ती देखने को मिली। कार्रवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं। सफलता मिली है मादक पदार्थ को लेकर के, इनकी तस्करी को लेकर के। बता दें कि हरिहर धाम पिंडारी में 28 किलो गांजे के साथ दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त है जालौन पुलिस। बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 28 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो जालौन पुलिस को सफलता मिली है मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के। बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हरिहर धाम पिंडारी से ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि दो तस्करों को हरिहर धाम पिंडारी से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 28 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी पर जालौन पुलिस का ये शिकंजा। हरिहर धाम पिंडारी से 28 किलो गांजे के साथ दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया।